एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स पिन खजूर रोल। ये मिठाई दिखने में जितनी अच्छी लगती है ना, खाने में भी उतनी अच्छी लगती है। इस मिठाई को आप 2 हफ्तों तक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पिन खजूर लिए हैं। ये बिना बीज वाले पिन खजूर है। यदि आपके पास बीज वाले पिन खजूर हो तो उसके बीज निकाल के आप 300 ग्राम ले लें। और कप से भी मैं आपको आगे मेजर करके बता दूंगी। तो पहले इन पिन खजूर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि मिक्सर में पीसने में इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और इनके अंदर यदि कोई बीज रह गया होगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा। देखिए, 1 कप पिन खजूर के टुकड़े हमने कर लिए हैं, इसे दबाकर भरा है, ये 1 कप है। और बाकी के जो बचे हैं उनके भी हम टुकड़े कर इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए, 1.5 कप पिन खजूर के टुकड़े लिए हैं हमने। आप जो सॉफ्ट वाले पिन खजूर आते हैं ना वो लीजिए, तो उसे पीसने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मैंने 10 केसर के रेशे लिए हैं और 1/4 कप गर्म पानी में इसे भिगो दिया है करीब 10 मिनट के लिए। अब पिन खजूर को हम मिक्सर में पीस लेंगे। जितने पिन खजूर मिक्सर में पीसा जाए उतने ठीक है। यदि अच्छे से नहीं पिसाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैंने 1/3 कप काजू और 1/3 कप बादाम ली है। ये दोनों 50-50 ग्राम है, मतलब टोटल 100 ग्राम है। 300 ग्राम पिन खजूर के लिए आप 150 ग्राम से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना लें। मैंने तो टोटल 100 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ही लिए हैं। आप इसमें काजू की मात्रा को बढ़ाकर बादाम की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। अब हमें काजू और बादाम को टुकड़ों में कट करना है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से जो खड़ड़ मूसली आती है वो ली है और बिल्कुल हल्के हाथों से काजू को इसे प्रेस किया है। अब इन्हें एक छलनी में डाल देंगे और बची हुई काजू को भी इसी तरीके से फोड़ लेंगे। अब इन काजू के टुकड़ों को भी छलनी में डाल देंगे। अब कुछ टुकड़े यदि बड़े रह गए हो या फिर काजू के 2 भाग नहीं हुए हो अलग, तो आप चाकू की सहायता से इन्हें अलग कर दीजिए। हमें काजू के टुकड़े और फोड़ते समय जो चूरा हो जाता है उसे अलग अलग रखना है। यूज़ तो हम दोनों का करेंगे, तो पहले टुकड़ों को अलग करने के लिए हम छलनी को हिलाएंगे और ऊपर ऊपर से काजू के टुकड़ों को अलग करते जाएंगे, और नीचे का जो बारीक चूरा बचेगा उसको हम इसी थाली में डाल देंगे। अब बादाम को भी बड़े टुकड़ों में फोड़ लेंगे। सारे बादाम को मैंने इसी तरीके से टुकड़ों में कर लिया है। अब बादाम के भी कुछ टुकड़े रह गए हो तो उन्हें भी चाकू से छोटा कर लेंगे और बादाम के भी ऊपर ऊपर से बड़े बड़े टुकड़ों को अलग कर इसका भी चूरा अलग कर देंगे। काजू और बादाम का जो बारीक चूरा है उसे हमने मिक्स कर एक ही थाली में निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई में कम फ्लेम पर काजू बादाम के टुकड़ों को 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे यदि इनमें कोई नमी होगी तो वो हट जाएगी और ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। जब ये अच्छे से क्रंची हो जाए तो 3 मिनट बाद मैंने इसमें काजू बादाम का चूरा भी ऐड कर दिया है और इसे भी 1/2 मिनट तक इन्हीं के साथ में ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे ये चूरा जो है इसकी भी नमी हट जाएगी। अब उसी कढ़ाई में हमने 1 बड़ी चम्मच खसखस ली है और इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। हमने 1 मिनट तक इस तरीके से हिलाते हुए इस खसखस को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैंने 1/2 बड़ी चम्मच ली है पिस्ता, इसे भी इस गर्म कढ़ाई में 1/2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसकी भी नमी हट जाए। अब पिस्ता को भी 1 कटोरी में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने जो केसर का पानी 1/4 कप भिगोया था वो डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे और इसमें पिन खजूर का पेस्ट डालेंगे जो हमने बारीक टुकड़ों में कट करके पीस लिया था। अब बिल्कुल कम फ्लेम पर इसमें पिन खजूर को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पिन खजूर का जो भी भाग हार्ड होगा वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, और 5 मिनट तक कम फ्लेम पर ही इसे इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इस तरीके से बिल्कुल हो गया है कि कढ़ाई में चिपकने लगा है। अब तो इस स्टेज पर हम 1 बड़ी चम्मच डालेंगे इसमें घी। आप पानी डालने के बाद पिन खजूर को 5 मिनट तक जरूर पकाएं और उसके बाद ही इसमें घी डालें। अब घी डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट और पकाना है, जिससे इसका जो पानी है ना वो तो हमने बिल्कुल अच्छे से पकाकर ख़त्म कर दिया था, पर इस पिन खजूर को हमें और अच्छे से सॉफ्ट करना है और घी के साथ अच्छे से पकाकर बिल्कुल सॉफ्ट कंसिस्टेंसी जैसा करना है। इसे कम फ्लेम पर ही हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि पिन खजूर जरा सा भी कढ़ाई में चिपके नहीं। यदि पिन खजूर जरा सा भी जल गया ना तो बर्फी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, अब यह अच्छे से पकने लगा है और ये एक ही जगह पर इकट्ठा होने भी लगा है। यदि आप इसकी पहचान नहीं कर पाए तो इसके थोड़े से भाग को 5 मिनट बाद 1 कटोरी में रखिए और इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए, या तो आप जब तक के लिए गैस बंद भी कर सकते हैं। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसकी हथेलियों पर एक गोली बनाइए, और यदि अच्छे से गोली जाए मतलब कि ये पिन खजूर अच्छे से पक चुका है, और यदि ये गोली नहीं बने और हथेलियों पर चिपके तो आप इसको 1-2 मिनट और पका लें। और अब इसमें हम काजू बादाम के टुकड़े डाल देंगे।
पीन खजूर के जिस भाग को ठंडा करेंगे उसे पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ही उसकी गोली बनाएं। गर्म पीन खजूर की गोली बनाने पर वह हाथों पर चिपकेगा। काजू बादाम के टुकड़े डालने के बाद एक मिनट तक हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है और गैस को बंद करके इसे एक अलग बर्तन में निकाल लिया है और अब इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का बारीक पाउडर डाला है। आप चाहें तो कढ़ाई में ही इलायची का पाउडर डाल दीजिए जिससे इलायची को आपको बाद में मिक्स नहीं करना पड़ेगा। मैंने इलायची को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जब तक एक अलग बर्तन पर हमने घी लगा लिया है और एक बटर पेपर भी ले लिया है। हमें इस मिश्रण को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथों से छू सकें, थोड़ा गर्म रहना ही चाहिए। अब हाथों पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस मिश्रण को अच्छे से एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर अच्छे से इसकी गोली बना लेंगे पहले, ताकि इसके बीच में कोई भी एयर ना रहे और अच्छे से भाग चिकना भी हो जाए। अब इस तरीके से हमें इसका रोल बनाना है, पर रोल बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि इसे बीच बीच में इस तरीके से दबाते जाइए ताकि इसमें एयर नहीं रहे। यदि इसमें एयर रहेगी तो फिर जब हम रोल को काटेंगे ना तो उसके बीच में गैप गैप दिखेगी, मतलब कि जिस भी भाग में एयर रह जाएगी ना तो जब हम रोल को काटेंगे तो उस रोल के बीच में छेद दिखेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको रोल बनाने में टाइम लगे तो कोई बात नहीं, पर ऐसे रोल करते हुए बीच में इसे दबाते जाइए और आपको जितना पतला और जितना मोटा रोल रखना है आपके हिसाब से रख सकते हैं। मैंने न ज़्यादा पतला और न ही ज़्यादा मोटा रोल रखा है क्योंकि ये जो बर्फी ना जैसी रेस्टोरेंट में मिलती है थोड़ी पतली ही रहती है और थोड़ी छोटी रहती है। तो पतली जब हम काटेंगे जब बनेगी और छोटी जब बनेगी जब हम इस रोल को थोड़ा लंबा बनाएंगे। तो देखिए मैंने इतना लंबा रोल बना लिया है और अब जो हमने खसखस को ड्राई रोस्ट किया था वो इसमें डाल देंगे। आपको जितना बड़ा रोल बनाना है उससे थोड़ी बड़ी प्लेट लें ताकि रोल अच्छे से बन सके। यदि आपके पास छोटी प्लेट हो तो इस मिश्रण से दो रोल बना लें। देखिए मैंने थोड़ी सी खसखस पहले इस पर ऐसे ही फैला दी है और अब हम इस पर जो पिस्ता को हमने ड्राई रोस्ट किया था वो पिस्ता डाल देंगे। आप चाहें तो खसखस और पिस्ता साथ में ही इस पर लगा दें। इस रोल पर खसखस और पिस्ता लगाने पर फिर से इसमें एयर आने का डर रहता है, इसलिए आप फिर से इसे हल्का सा दबाते हुए लगाएं। यदि आपको खसखस कम लगे तो आप उसे फिर से ड्राई रोस्ट कर इसको अच्छे से खसखस के ऊपर लपेट दें, क्योंकि खसखस अच्छे से लगेगी तो इसके जो कट करेंगे हम रोल के वो अच्छे से कट होंगे। मुझे थाली छोटी लग रही है रोल बनाने के लिए, इसलिए मैंने इसे बटर पेपर पर रख दिया है और इसी तरीके से इसके एक बार और अच्छे से रोल बना लूँगी। बीच में एयर ना आए इसलिए इसे दबाते हुए रोल करूँगी। अब इस रोल को बटर पेपर से पूरा कवर कर देंगे। आप थोड़े टाइट हाथों से इसे कवर करें ताकि बीच में यदि थोड़ी बहुत एयर रह गई होगी ना तो वो भी इससे चली जाएगी। और इसके दोनों कोनों को अच्छे से फोल्ड कर दीजिए। आप जब भी रोल को फोल्ड करें तो उसके दोनों कोनों पर या तो रबड़ लगा दें या तो फिर टेप लगा दें। अब इस रोल को हल्के हाथों से पकड़कर फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दीजिए ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। यदि आप इसे फ्रिज में न रखना चाहें तो 5 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। देखिए अब टेप को हटाकर इसे बटर पेपर से अलग कर देंगे और पहले हम इसे हाथों की सहायता से चेक कर लेंगे कि अच्छे से सेट हुआ या नहीं। मुझे तो ये अच्छे से सेट हुआ दिख रहा है। अब चाकू की सहायता से इसके पीसेस कर लेंगे। आप ज़्यादा मोटे पीसेस ना करें क्योंकि जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना थोड़े पतले ही मिलते हैं क्योंकि ये खाने में अच्छे लगते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया गोल गोल रोल कटकर तैयार हो रहे हैं। खसखस को आप इस पर ज़्यादा लपेटें ताकि कट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए ड्राई फ्रूट पीन खजूर के रोल तैयार हैं। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।